एक दिए को आंधियों में जलाना भी है, एक दिए को आंधियों में जलाना भी है, तंज सहना भी है, मुस्कुराना भी है। यूं हम आए हैं आपको बताने के लिए, यूं हम आए हैं कुछ आपको बताने के लिए, आपसे मिलने का ये बहाना भी है, आपसे मिलने का ये बहाना भी है। फ्रेंड्स, भरत सर बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जैव पराक्रम उत्सर्जन, जिसमें जीवों के शरीर से बेकार और हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन होता है, निकलना होता है, क्योंकि ये पदार्थ हानिकारक और जहरीले होते हैं। चलिए, इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं पुनः आपको यह स्मारित करा देना चाहता हूँ, आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि अब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बात करते हैं एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की। तो एक्सक्रीशन इज ए लाइव प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन इज ए लाइव प्रोसेसेस लाइक द न्यूट्रिशन, लाइक द रेस्पिरेशन, लाइक द सर्कुलेशन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइव प्रोसेसेस, लाइव प्रोसेसेस। तो एक्सक्रीशन है क्या? तो सबसे पहले इसे हम अंग्रेजी में देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस अकर इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल द टाइम टू कैरी आउट ऑफ लाइव प्रोसेसेस। द सम ऑफ दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस यूजफुल प्रोडक्ट्स एज वेल एज टॉक्सिक पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट products from the body of an organism is known as excretion। तो excretion के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या है, जीवों के शरीर से metabolic wastage को, क्योंकि metabolic प्रक्रिया में, उपापचय क्रिया में useful and wastage दोनों बनते हैं। तो useful का शरीर के द्वारा यूज होता है और wastage जो dangerous होता है, जो harmful होता है, उसका रिमूवल होता है। हिंदी में इसे कैसे कहेंगे? तो जीवों के शरीर को उपयुक्त अवस्था में बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं निरंतर होती रहती है, जिसे उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन को परिभाषित करें, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अवशिष्ट पदार्थों, विशेषकर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहलाती है। तो समझ गए होंगे कि जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अवशिष्ट पदार्थों, विशेष करके नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन या निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सक्रीशन और उत्सर्जन को समझ गए। आप देखते होंगे ये उत्सर्जन है क्यों? तो आप देखते हैं कि आपके घर में, रसोई घर में आप हमेशा आवश्यक सामग्री को लाते हैं, बेकार चीज को तो आप रसोई घर में खाना के नहीं लाते हैं। लेकिन जब आपकी मॉम खाना बनाती है, आपकी माता श्री खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद देखते होंगे बहुत से चीज ऐसे संग्रह हो जाते हैं जिनका वे अपने किचन से बाहर निकालती है। तो उसका निकलना जरूरी है, अगर वह नहीं निकलता है तो रसोई घर में क्या आएगा, सड़न होगी, दूषित हो जाएगा, बहुत से जर्म से, वायरस से, बैक्टीरिया पनप जाएंगे और इस तरह से खाना दूषित हो जाएगा। तो उसका निष्कलना जरूरी। हमारे शरीर में भी लगातार जैव पराक्रम होते रहते हैं, हमारे सेल्स में लगातार जैविक क्रियाएं होती रहती है, इसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे आपने देखा एनर्जी बनता है हमारे शरीर में, उसमें भोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है,
वाटर बनता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो या एक्सेस वाटर हो, इसका निकलना जरूरी है, नहीं तो हमारे नुकसानदेह हो सकता है, और इसी के लिए यह उत्सर्जन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को लिख लेंगे। अब हम लोग इसके में और कौन कौन चीजें हैं मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में है और जिसका निष्कासन बहुत जरूरी है, तो ऐसे स्थिति में हमें अब ये जानना है कि कौन कौन से मेजर सब्सटेंसेस है जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जीवों के शरीर से निकलते हैं मुख्य पदार्थ। तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग देखें, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है, तो आप देखते हैं CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में। दूसरा शरीर से एक्सेस वाटर, अगर आपने आवश्यकता से अधिक पानी पी लिया है कभी कभी और एक्सेस हमारे शरीर में है तो उसका भी निकलना जरूरी है। इसके अलावा नाइट्रोजेनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजेनस वेस्ट में मेनली तीन आते हैं, कौन कौन आते हैं, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इस दोनों का निष्कासन आप देखे होंगे इस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर का हमारे शरीर से रिमूवल किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन। आपको याद होगा कि श्वसन क्रिया में जब ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का रिमूवल हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के द्वारा हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजेनस वेस्टेज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड का के लिए एक विशिष्ट हमारे शरीर में तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, और ये बहुत हानिकारक है। ऐसी स्थिति में इसका निष्कासन के लिए हमारे शरीर में एक विशिष्ट तंत्र होते हैं जो तंत्रिका तंत्र होते हैं। अब इसे लिख लिए, इस तरह से मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजेनस वेस्ट, नाइट्रोजनीय त्यक्त पदार्थ या पदार्थ में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब हम लोग CO2 और जल का उत्सर्जन प्रायः सभी जीवों में होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निष्कासन सभी जीवों में होता है। अब हम लोग देखें कि उपापचय की क्रिया किस में होती है, तो उपापचय की क्रिया जलीय माध्यम में होती है, किसमें, जलीय माध्यम में होती है। इसके बाद आप क्या देखते हैं, तो शरीर में जल की मात्रा बढ़ती घटती है, क्या है, शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। कभी आप पानी अधिक पी लिए तो बढ़ जाएगी, अगर बहुत देर तक आपने पानी नहीं पिया तो वैसी स्थिति में आपके शरीर में पानी की मात्रा कम जाएगी। तो इसके बाद शरीर में जल की संतुलित मात्रा भी आवश्यक है, ये भी जानना जरूरी है, शरीर में जल की संतुलित मात्रा, बैलेंस्ड क्वांटिटी, संतुलित मात्रा भी आवश्यक है, नहीं तो निर्जलीकरण की स्टेज आ जाएगा, डिहाइड्रेशन आ जाएगा। और जल की जो मात्रा है वो मात्रा बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जो जल संतुलन, और जो उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा है, जल संतुलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन, क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, जल संतुलन।
तो जैसा कि नाम ही है जल संतुलन, जिस क्रिया द्वारा जीवों में, जिस क्रिया द्वारा जीवों में क्या होता है, जल की मात्रा या शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बना रहता है, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन क्या रहता है, कायम रहता है या बना रहता है, बना रहता है, उसे जल संतुलन कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, जल संतुलन कहते हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है बच्चों कि आप जल संतुलन या ऑस्मो रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो क्या है, जिस क्रिया द्वारा जीवों में के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बना रहता है उसे जल संतुलन या ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द लेवल ऑफ द वाटर इज मेंटेन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हम लोगों ने समझ गया, और ये जलीय माध्यम में हम लोगों के शरीर में उपचय क्रिया होती है और शरीर में जल की मात्रा भी आवश्यक है। अब हम लोग एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के अंदर में किस तरह से बनता है इसको नोट कर लिए बच्चों। अब हम लोग उत्सर्जी पदार्थ किस तरह से निर्माण होते हैं, कहां से आते हैं, आखिर हम तो बेकार पदार्थ खाते नहीं है, हम लोग अपने शरीर में अब कुछ भी बेकार पदार्थ नहीं लेते हैं, तो ये आता कहां से है, ये कहां से हमारे शरीर में बेकार चीज आ जाता है। तो आप देखते हैं कि CO2 और H2O किसी से आ जाता है, ये आता है रेस्पिरेशन से, किसी से, श्वसन से, श्वसन क्रिया होती है जो हमारे जरूरी है, और इससे CO2 और H2O आता है। इसके अलावा आप भोजन में प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन और एमिनो एसिड के विखंडन से, क्योंकि प्रोटीन किसी में होता है एमिनो एसिड में, तो प्रोटीन के एमिनो अम्ल जब टूटता है, जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या निकलता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यानी हमारे शरीर में बेकार पदार्थ हम खाते नहीं, हमारे शरीर में बनता है, और वो बनता किस से है, तो हम जब प्रोटीन युक्त खाना जब खाते हैं, चाहे सोयाबीन हो, चना हो, दाल हो, ये सब खाते हैं, तो प्रोटीन हमारे शरीर में लेते हैं, और ये प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड बनता है, और जब एमिनो एसिड लिवर के द्वारा उसका टूटना होता टूटता है, तो वैसी स्थिति में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। और ये जो है प्रोटीन विखंडन से बना जो अमोनिया खास करके जो होता है, वो अमोनिया अत्यंत विषैला होता है, इससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड, लेकिन अमोनिया अत्यंत विषैला होता है और ये जल में अत्यधिक घुलनशील भी होता है। अब अमोनिया क्योंकि जल में अत्यधिक घुलनशील होते हहैं और ये प्रायः अकशेरुक जलीय जीवों में, टैडपोल लार्वा हो या जलीय कीट हो, इसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये निकलते हैं। अमोनिया जलीय जीवों का एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है। स्थलीय जीव है तो स्थलीय जंतु में अमोनिया बनता है लेकिन तुरंत वह यूरिया में बदल जाता है। तो स्थलीय जंतु में जो स्थल पे, जैसे हम और आप हैं और भी मैमल्स है, स्तनधारी है, गाय भैंस बैल, तो इनके जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है इनमें क्या, यूरिया बनता है। और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स, पक्षी जिसमें पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिनके शरीर लाइट्स होते हैं, उनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है, तो यूरिक एसिड बनता है। तो इस तरह से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीन तरह के उत्सर्जी पदार्थ है। और इससे आप लिख लिए होंगे बच्चे कि CO2 प्लस H2O कहां से आया, रेस्पिरेशन से। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड कहां से आया,
प्रोटीन के एमिनो एसिड जब टूटता है हमारे शरीर में तो उससे यह बेकार हानिकारक पदार्थ बनता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि तीन तरह की चीज हमने देखा एक्सिटी सब्सटेंस के रूप में। एक हमने देखा अमोनिया, अमोनिया, दूसरा हमने देखा यूरिया और तीसरा हमने देखा यूरिक एसिड। तो जीव को इस उत्सर्जी पदार्थ के उत्पादन और निष्कासन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमने देखा जो अमोनिया निकालते हैं उनको अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म कौन कौन से जीव है? वे जीव है जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं और इसमें आते हैं एक्वेटिक यानी जलीय, चाहे फिश हो या टैडपोल लार्वा हो, टैडपोल लार्वा हो या एक्वेटिक इंसेक्ट हो, जलीय कीट हो, एक्वेटिक इंसेक्ट जलीय कीट हो जो जल में रहते हैं उनमें अमोनिया निकलता है और उनको कहा गया अमोनोटेलिज्म। क्या कहा गया? अमोनियोटेलिज्म। उसी तरह से जिनके शरीर से यूरिया निकलता है उसे यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। और यूरियोटेलिज्म जो है वो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में एम्फीबिया जो स्थल पे रहते हैं जिसमें मेढक आते हैं, मेढक अगर स्थल पे है तो याद रखिएगा यूरिया उससे निकालेगा और अगर वह पानी में है तो उससे निकलेगा अमोनिया जो टैडपोल लार्वा। तो जो यूरियोटेलिज्म है का यूरिया किससे निकलता है? एम्फीबिया से। इसके बाद मैमल्स हम लोग स्तनपाई से यूरिया यानी हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। सार्क, सार्क मछली जो आप कहते हैं सार्क, सार्क से भी क्या निकलता है? यूरिया। अब है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड तो इसे इसके जीव को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म। तीसरा जीव क्या है जो यूरिक एसिड का रिमूवल करता है? तो इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, इसमें आते हैं स्नेक्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं जो लाइट एनिमल है। तो ये यूरिक एसिड में इनके शरीर से निकलता है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स ऑन द अर्थ। अमोनोटेलिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया, यूरिकोटेलिज्म विच एक्सक्रीट यूरिया एंड यूरिकोटेलिज्म विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो इस तरह से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में लिख लिए बच्चों। अब हम लोग आगे देखें एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, इन अर्लियर लेक्चर्स में आपने देखा देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन हो या ट्रांसपोर्टेशन हो। आपने देखा कि यूनिसेलुलर क्योंकि वह सिंगल सेल एनिमल है तो वो डिफ्यूजन के द्वारा अपने सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा के द्वारा वो अपने शरीर से पदार्थों का परिवहन किए, पोषण भी किए। तो एक्सक्रीशन भी, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निकलना भी इसी प्रक्रिया के द्वारा, अमीबा हो या पैरामेशियम हो, डिफ्यूजन के द्वारा इसके शरीर से बेकार पदार्थ चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन वेस्ट हो, वो शरीर से बाहर निकलता है। इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हाइड्रा, तो हाइड्रा में माउथ से ही एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकलता है। लेकिन उच्च श्रेणी के जंतु
इन हायर वर्टिब्रेट्स लाइक मैमल्स हम में एक्सक्रीशन के लिए या वाटर बैलेंस के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। और हम लोग इसे विस्तार से देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स मानव में उत्सर्जन। एक्सक्रीशन इन मानव में उत्सर्जन की क्रिया को, तो आपको इसके पहले हमें यह जानना है कि आखिर मनुष्य में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। मानव में, आप में, आपके शरीर में, हमारे शरीर में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, देखिए क्या है। स्किन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा, चमड़ी, ये स्किन। लंग्स, लीवर, इसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद नेजल एपिथेलियम एंड सलाइवरी ग्लैंड और किडनी। तो हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, त्वचा है, फेफड़ा है, यकृत है, बड़ी आंत है, नासिका, एपिथीलियम और लार ग्रंथि है और वृक्किया गुर्दा है। ये मानव में उत्सर्जी अंग है। लेकिन जरा इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर स्किन किस तरह से हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है, आखिर ये हमारी त्वचा या स्किन किन किन चीजों का हमारे शरीर से निकलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, उफ उफ बहुत गर्मी लग रही है, अरे ये क्या है, पसीना है। सही समझा आपने, क्या है, पसीना है। और पसीना को, स्वेट को शरीर का एसी कहा जाता है। अरे वाह, एसी, हमारे शरीर में भी एसी है, क्योंकि पसीना निकलने के बाद शरीर को ठंडक, राहत महसूस होता है, शीतलता मिलती है, इसलिए पसीना को शरीर का एसी कहते हैं। हमारे स्किन्स के ऊपरी भाग में 20 से 30 लाख स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि पाया जाता है, और वो हमारे शरीर से जब भी हमें गर्मी का एहसास होता है तो एक्टिवेट हो पसीना के रूप में जल का, पसीना के साथ साथ नाइट्रोजनीय त्यक्त पदार्थों का भी वो निष्कासन करता है। आप देखते होंगे व्यक्ति भी से किसी को कभी कभी 2 लीटर तक, कभी कभी 1.5 लीटर 3 लीटर तक भी पसीना निकल जाता है और डिहाइड्रेशन का केस हो जाता है, तुरंत ORS लेना पड़ता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा भी है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। जैसे दांत की हम बात करें तो दांत में 10% पानी है, या फिर हड्डी में भी 22% पानी है, त्वचा में भी 20% है, हमारे मस्तिष्क में भी 75% पानी है। तो इस तरह से पानी का एक बैलेंस हमारे शरीर में है। और लंग्स जो है दूसरा, फेफड़ा, फेफड़ा तो वो देखें कि फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में, श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर वो निकालता है। और श्वसन की क्रिया में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस के द्वारा भी हमारे शरीर से पानी निकलता है। और एक मनुष्य
एक दिन में 400 ml से 500 ml, करीब करीब आधा लीटर पानी हम नाक द्वारा श्वसन की क्रिया द्वारा छोड़ते हैं। तो है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज। लीवर, तीसरा क्या है? लीवर, यकृत। यकृत किस प्रकार हमारे लिए श्वसन उत्सर्जन क्रिया करते हैं? तो प्रोटीन, हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण अवयव है, और प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है? एमिनो एसिड। याद कीजिए, ग्लूकोज के, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के पाचन पर ग्लूकोज, प्रोटीन पर एमिनो एसिड, और फैट के पाचन पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मैं यहां बात करना चाहता हूं प्रोटीन का। तो प्रोटीन जब पचते हैं तो क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है, और इस एमिनो अम्ल के टूटने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है, और इस अमोनिया को यकृत यूरिया में बदलता है। इस अमोनिया को यकृत यूरिया में बदलता है, और आप देखते होंगे कि यकृत आरबीसी के हेमोग्लोबिन के टूटने पर विली बर्डिन और बिलुरुबिन, जो एक पाइल ये पिगमेंट्स है हमारे लीवर में के सेल्स में जमा होते हैं, और वो इस तरह से, जिसको बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल पिगमेंट, विली वर्डिन और बिलीरुबिन, तो आरबीसी के टूटने के बाद मिलता है, और ये कहां से? लीवर से ही। इसका मतलब है कि लीवर भी एक्सक्रीशन में, पाचन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारे शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस पानी को निकालता भी है, और साथ साथ आयरन, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट जो अघुलनशील होते हैं, वो हमारे फीकल के साथ, मल के साथ शरीर से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब बड़ी आंत भी उत्सर्जन में सहायक है। लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम के फॉस्फेट जो अघुलनशील है, वो मल के रूप में बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। नेजल एपिथीलियम एंड सलाइवरी ग्लैंड, ये भी हमारे शरीर से, आप देखते होंगे कि जब रेस्पिरेशन लेते करके क्रम में जब इनहेलेशन होता है, जब सांस को हमारे नाक के अंदर जाती है, तो धूल कंस ये जो है, डस्ट वगैरह पार्टिकल्स है, साथ साथ जो है उसमें जर्म्स आते हैं, तो इस तरह से इस नेजल एपिथीलियम में सड़ जाते हैं, और हम जब नाक साफ करते हैं तो वो बाहर निकलता है। इसी तरह से सलाइवा भी हमारे शरीर में एक्सक्रीशन मदद करता है। और हम बात करते हैं किडनी, वृक्क या गुर्दा, जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, और किडनी पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले इसे, जो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है, इसे आप नोट कर लें। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर अगर क्या क्या आते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, वृक्क, यूरेटर, मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूरेथ्रा, मूर्गमा, मूत्र मार्ग। अब हम लोग यहाँ देखें कि ये मानव उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी संस्थान है, जो यहाँ किडनी है, ये दो की संख्या में किडनी है, ये यूरेटर है, मूत्रवाहिनी है, यहाँ मूत्र जमा होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, और ये यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग है। तो इस तरह से बच्चे इसको आप नोट कर लें, इस तस्वीर को मानव उत्सर्जन संस्थान को बना लें। अब हम लोग बात करेंगे किडनी पर, जो मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो किडनी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, और इसे उर्दू में गुर्दा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क, और उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं। अब इसके बारे में हमें जानना है कि किडनी का शेप कैसा होता है। शेप, तो किडनी का शेप जो है
आकृति इसका होता है बीन, आपने सेम खाया है ना, बीन सेपेड, क्या ऐसा होता है, बीन सेपेड, यानी आप इसको बीन सेपेड लिखें या आप इसे हिंदी में सेम के बीज का आकार के लिखें। नंबर कितना है, इसकी संख्या कितनी है, तो आपने अभी अभी देखा ये वन पेयर है, यानी इसकी संख्या कितनी है, दो है, एक जोड़ा या दो। कलर कैसा होता है किडनी का, तो किडनी का कलर जो होता है वह डीप रेडिश ब्राउन, क्या होता है, डीप रेडिश ब्राउन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो गहरा भूरा लाल, गहरे भूरे लाल रंग का किडनी होता है, डीप रेडिश ब्राउन। साइज क्या होता है इसका, ये किस साइज का होता है, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा, यानी 10 से 12 cm ये लेंथ होता है इसका, यानी ये लंबा होता है, और 5 से 7 क्या होता है, cm इन वाइड, ये चौड़ा होता है, और 2 से 3 cm क्या होता है, इन थिकनेस मोटा होता है, यानी किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका वजन कितना होता है, वेट, तो ये लगभग 150 ग्राम इसका वजन होता है, 150 ग्राम वजन होता है। यह स्थित कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ हमारे शरीर में पाया जाता है, क्या वक्ष गुहा में, कहाँ, ये थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ, या नहीं, ये हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड जो ये है पीठ का भाग, इसके दोनों ओर, तो लाई इन एब्डोमिनल कैविटी, लाई इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है कहाँ, ये पार्ट हमारा जो है पेट का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी है, जबकि ये क्या है, थोरेसिक कैविटी, तो मैं बात कर रहा हूं एब्डोमिनल कैविटी का, ऑन वन आइदर साइड ऑफ, ऑन वन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी देह गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर क्या होता है, एक एक किडनी सेटअप, और इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है, बाहर से आपने देखा तो इसका एक्सटर्नल जो सरफेस है वो कैसा था, ये बाई कॉन्वेक्स था, क्या था, कॉन्वेक्स था, और कॉन्वेक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, तो उन्नतोदर, कॉन्वेक्स था, और इनर सरफेस कॉनकेव था, इनर सर्विस का क्या था, कॉनकेव था, इनर सर्विस ऐसे था, क्या था, एक ऐसे था, तो इस तरह से इसका जो सरफेस एक्सटर्नल था वो कॉन्वेक्स था, इंटरनल सरफेस इसका कॉनकेव, इनर सरफेस में कॉनकेव शेप जो है हीलस पाया जाता है, और उसी हीलस से रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स निकल करके जाते हैं। तो अब हमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इस तरह से प्रत्येक किडनी के बाहर एक संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या स्ट्रेटेड मसल से ढका होता है किडनी, और जो एक कैप्सूल के रूप में होता है, और किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं।
यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचना ग्रीक में एक शंकु के तरह निकल आता है, जिसे पिरामिड ऑफ किडनी कहते हैं। वृक्क की इकाई क्या है? वृक्क की इकाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा किडनी इसी पर की यूनिट है, इसी के कार्य पर किडनी का कार्य संपादन होता है। तो यूनिट यूनिट ऑफ किडनी क्या है? तो किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। इसका दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस तरह से किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन, या इसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, वृक्क नलिकाएं। क्या कहते हैं इसको? वृक्क नलिकाएं कहें या नेफ्रॉन। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रायः कि नेफ्रॉन से क्या समझते हैं। नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र बनाएं, नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र बनाएं। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, और ये बोर्ड मॉडल है, इसको बार बार बनाकर बच्चों अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा नेफ्रॉन का चित्र। तो चलिए नेफ्रॉन का चित्र शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस तरह से ये हम एक चांद बना लेंगे। चलिए बन गया, और इसको इस तरह से लाएंगे, और इसको इस तरह से लाएंगे। ठीक, बहुत ही आसान है। इस तरह से इसे भी लाएंगे बच्चे, ये यही, और ये यहां से एक ये इसमें नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग होते हैं? तो नेफ्रॉन में इसे हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल, और ये जो रक्त की नली आकर के घिरीदार रचना पर, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है? हेनलेज लूप। ये क्या है? डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है? कलेक्टिंग टर्म। तो बहुत ही आसान है बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों को मिलाकर मालपिगियन ट्यूब्यूल ही बोलते हैं। ये उसके बाद जो नली है, ये स्ट्रक्चर। अब हम इसके फंक्शंस पे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया स्ट्रक्चर्स में ग्लोमेरुलस है जो नली है, और ये नली जो आती है जिसको हम एफरेंट आर्टेरियोल कहेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल यानी अभिवाही धमनिका, और ये जो निकलती है इससे ये है इफेरेंट
इफेरेंट आर्टेरियोल, अपवाही धमनी का। तो ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल मिलाकर माल्पिगियन ट्यूबुल का निर्माण किए। आगे ये नली जाते हुए इस तरह जाते हैं और प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यानी किडनी नेफ्रॉन के बने होते हैं और एक नेफ्रॉन में 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं और जो किडनी के कार्यों का संपादन करते हैं। अब हम लोग इसको, इस फिगर को नोट कर लें और हम लोग फिर आगे चर्चा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन नेफ्रॉन, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन नेफ्रॉन, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी। तो वृक्क के द्वारा 3 कार्य का संपादन होता है, फिल्ट्रेशन, और चूंकि फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, दूसरा सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो इस तरह से एफरेंट आर्टेरियोल, अभिवाही धमनी का, जब वोमेंस कैप्सूल में आती है तो एक जालीदार, एक चलनी की तरह रचना यहाँ बन जाती है और यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल, अपवाही धमनी का निकलती है। तो ये काफी महीन नली के रूप में बन जाते हैं और जब रक्त, जब ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल यानी अभिवाही धमनिका से आते हैं तो इसकी दीवारें मोटी होती है और काफी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ रक्त इसमें आते हैं और जब दबाव के साथ आते हैं तो यहाँ फिल्ट्रेशन का काम होता है, इसे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का काम होता है। छन क्या क्या चीज छनता, तो रक्त के साथ आए यूरिया, यूरिक एसिड, जल या वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या है, यहाँ छनता है इसमें और छनने के बाद ये इस नली में नीचे चले आते हैं। तो यहाँ जो छना, यहाँ जो ब्लड में आए यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स, प्रोटीन, तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन हुआ इसे हम फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जैसा कि नाम ही है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो चीज यूजफुल हैं उसका फिर से रीएब्जॉर्ब होना। तो इसके लिए सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो कुछ ऐसे भी हैं, मटेरियल्स हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स हैं या साल्ट्स हैं जो इस नली में, जो यहाँ से ट्यूबुलर नली है, जो पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनलेज लूप और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो पीसीटी, हेनलेज लूप और डीसीटी में क्या है, जो यूजफुल्स, जो साल्ट्स हैं, यूजफुल जो एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, उसको रीएब्जॉर्ब करते हैं और रीएब्जॉर्ब के साथ साथ यहाँ ग्लूकोज का या पुनः शोषण तो होता ही है, साथ साथ जल के अधिक मात्रा का भी शोषण होता है, जल की मात्रा को भी एब्जॉर्प्शन होता है और दूषित पदार्थों का उत्सर्जन होता है। यानी यहाँ हम यूं कहें कि वाटर बैलेंसिंग ऑस्मो रेगुलेशन की जो बात हो रही है, वाटर बैलेंस, तो ऑस्मो रेगुलेशन भी इसी पार्ट में होता है, पीसीटी हेनलेज लूप एंड डीसीटी में। तो इस तरह से जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है तो उसमें इस नली में जो यूजफुल चीज, जो छने यहाँ छन करके आए लेकिन कुछ यूजफुल सामान उसमें रह गए हैं तो उसका फिर से, जैसे माँ आपकी कभी कुछ फटकती है, तो फटकती है तो एक बार में जब फटक लेती है कोई सामान तो फिर उसके जो फटकन को दोबारा फटकती है, काहे, ताकि कुछ जो यूजफुल सामान है वो रह जाए। जैसे आप देखते हैं कोई खाद्यान्न को, अनाज को फटकती है
तो दो बार करती है ताकि जो भी दूसरे बार में जो भी अनाज बाहर चले गए हैं वो फिर रीअब्जॉर्ब हो जाए, फिर वो प्राप्त कर ले। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सम नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट्स लाइक क्रिएटिनिन एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब यहाँ जब आती है ये, तो वैसी स्थिति में पूरी तरह से जो यूजफुल सामान थे, जो उपयोगी पदार्थ था, उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है, और जो बेकार पदार्थ बन गए हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन गए हैं, वो आगे इस तरह से कलेक्टिंग डंप में यूरिया के रूप में जो है वो चले जाते हैं, और इस तरह से उसमें यूरिन इस ट्यूबुलर सिक्रेशन में यूरिन मिक्स हो जाता है, यहाँ मूत्र बन जाता है। तो ये इस तरह से ट्यूबुलर सिक्रेशन है। इस तरह से किडनी के तीन कार्य हुए, फिल्ट्रेशन का काम है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का काम है, और अंत में ट्यूबुलर सिक्रेशन का काम है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किडनी काम करता है। अब हम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है कि क्या किडनी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, और फिल्ट्रेट करने के साथ साथ जो हमारे शरीर से लगातार यूजफुल सब्सटेंसेज है उसको रक्त के माध्यम से शरीर में बाहर नहीं जाने देता है, उसको रक्त में बने रहता है, और बेकार चीजों को, हानिकारक चीजों को शरीर से बाहर निकालता है। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें हम देखेंगे। इस तरह से किडनी के बारे में कुछ रोचक चीज और भी जान ले कि एक स्वस्थ मनुष्य, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रति मिनट 125 ml, यानी एक दिन में लगभग 180 लीटर रक्त क्षमता है। एक मनुष्य में एक दिन में 180 लीटर रक्त क्षमता है। प्रश्न उठता है कि 5 से 6 लीटर ही रक्त है तो 180 लीटर रक्त क्षमता कैसे है? तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, उसमें आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, रोटेशन चल रहा है, इस हिसाब से 180 लीटर प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। 25 से 30 ग्राम अगर रक्त में यूरिया की मात्रा 30 ग्राम से अधिक हो गया, इसका मतलब उसे यूरेमिया नाम के बीमारी हो गया, और किडनी डिसफंक्शनिंग स्टेज में, किडनी में खराबी आ गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किडनी के द्वारा कौन कौन से कार्यों का संपादन होता है, तो आप क्या बताएंगे? वेस्ट प्रोडक्ट, यानी हमारे शरीर से नाइट्रोजनीय पदार्थों का निष्कासन होता है। पहला क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन, वेस्ट प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ, बेकार पदार्थ निकलता है। दूसरा क्या होता है? तो टॉक्सिक केमिकल, जो हानिकारक जो केमिकल्स है उसको क्या करता है? इसका भी यह निष्कासन एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा, यानी किडनी के द्वारा होता है। वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, जल का संतुलन किस क्रिया द्वारा? तो ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा, यानी वाटर बैलेंस का काम भी होता है। एक्सेस मटेरियल को निकालता है, एक्सेस मटेरियल जो चीज ज्यादा है, हमारी जरूरत से ज्यादा है, उसको क्या करता है वो? उसके बाद रेगुलेशन ऑफ साल्ट कंटेंट, साल्ट कंटेंट का रेगुलेशन करता है, हमारे शरीर में कितने साल्ट रहने चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पीएच को भी मेंटेनेंस करता है, पीएच को भी मेंटेनेंस करता है, और अंत में जो है ब्लड प्रेशर को भी किडनी रेगुलेट करता है, यानी ब्लड प्रेशर को भी यह रेगुलेट करता है। तो इस तरह से किडनी या यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि किडनी कितना महत्वपूर्ण चीज है, और यदि किसी व्यक्ति को, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो किसी तरह से एक्सीडेंट कर गए हों, या फिर किसी तरह से रैंडम
हार्मोनल डिस्फेक्शन हो, तो वैसी स्थिति में जब किडनी किसी व्यक्ति का दो किडनी है, एक किडनी खराब होता है तो एक किडनी से काम करता है और व्यक्ति जीवित रहता है, और जब व्यक्ति का दोनों किडनी जब काम करना बंद कर देता है या गड़बड़ी आ जाती है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्हें हम कुछ दिनों तक जिंदा रख सकते हैं। और उसके लिए रक्त के जो बेकार पदार्थ है उसको कृत्रिम तरीके से हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो हाई टेक्निक के द्वारा, उच्च तकनीक के द्वारा बना हुआ एक सिस्टम है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। क्या है? हीमोडायलिसिस। यह आप लोगों ने सुनते भी होंगे कि हीमोडायलिसिस किडनी खराब हो गया है तो डायलिसिस पर है। ही माने ब्लड, डायलिसिस माने छानना, ब्लड का छानना। तो हीमोडायलिसिस किन परिस्थितियों में, चाहे वो मधुमेह के रोग हो, संक्रमित हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो या चोट लग गया हो, तो किडनी उनका बंद कर देता है। और जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो उनके रक्त में जल की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा, यूरिया की मात्रा इसकी बढ़ने लगेगी, और ये यूरिया की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ने लगेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। एक अति विकसित मशीन के द्वारा वृक्क के कार्य को संपादित कराया जाता है, और इसका नाम है डायलिसिस मशीन, जिसे हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। और ये मशीन में एक टंकी होता है जिसको डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइजर कहते हैं। और इस डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड होते हैं, भरा रहता है, उसमें द्रव भरा रहता है, और इस द्रव में सेलोफेन नाम का एक बेलनाकार रचना तैरता रहता है। इस डायलाइजर में सेलोफेन नाम का जो बेलनाकार रचना तैरता रहता है, और उसी के द्वारा क्या होता है, छनने का काम जो है, विलेय उसमें छनने का काम होता है, और नाइट्रोजनीय विकार पदार्थ जो है इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, तो रोगी के इस तरह से धमनी में इसे सेट कर दिया जाता है, आर्टरी में, और आर्टरी से जब ब्लड आता है तो उस समय पहले डायलाइजर में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, और वहाँ उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो डायलिसिस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सामान्य रुधिर, जो नॉर्मल जो ब्लड होता है उसके समान होता है। रोगी के रुधिर को हाथ में मौजूद इस धमनी से क्या होता है, धमनी द्वारा सेलोफेन नली से गुजारा जाता है, और सेलोफेन नली जो डायलाइजर में तैरते रहते हैं वहाँ क्या होता है, उस समय रक्त को 0 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, और उसमें एक एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदन भी मिला दिया जाता है ताकि वो फिर जमे नहीं या रक्त में विकृति नहीं है। उसके बाद रक्त को उपचारित किया जाता है, और रक्त को पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ रक्त से जो नाइट्रोजनीय विकार है वो विसरित होकर, डिफ्यूज होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, और इस प्रकार रक्त को शुद्ध करके फिर शरीर के ताप पर पहले लाया जाता है, शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से रक्त का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और रक्त को फिर पंप की सहायता से एक वेंस के द्वारा रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से डायलिसिस के द्वारा हम किडनी, किसी व्यक्ति का दोनों किडनी अगर काम करना बंद कर दिया है तो हम उसे कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। यह इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसके माध्यम से हम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम कुछ दिनों तक, कुछ समय के लिए उसको हम जिंदा रख सकते हैं। उसके इस तरह से डायलिसिस जो है एक उच्च दक्षता पर आधारित अत्यंत विकसित तकनीक है जो आजकल किडनी फेलियर के केस में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 180 लीटर ब्लड छनता है किडनी में, लेकिन 1.5 से 2 लीटर पानी ही मूत्र के रूप में निकलता है।
यानी हमारे शरीर में इससे ब्लड जो है छनता है और उपयोगी ब्लड रह जाता है, जो वेस्टेज है या जो एक्सेस वाटर है वही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है हीमोडायलिसिस प्रोसेस का है और अब हम लोग प्लांट में उत्सर्जन के बारे में देखेंगे। जंतुओं के अपेक्षा पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या पौधों में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है? नहीं फ्रेंड्स, पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। जो भी सजीव है उसमें लाइफ प्रोसेस होंगे। हाँ ये बात जरूर है कि पौधों में उत्सर्जन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन एक विशिष्ट अंग तंत्र नहीं है। पौधे में एक और खासियत है कि वे उनमें जो उत्सर्जन होता है वो कम मात्रा में होती है और अपने उत्सर्जी पदार्थों का वे इस्तेमाल भी कर लेते हैं छाल के रूप में। आपने देखा कि पौधों में उत्सर्जन के लिए लेंटिसेल्स और एस्टोमाटा के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है। तो ये प्रश्न बोर्ड में पूछे भी जाते हैं कि पौधे के दो उत्सर्जी पदार्थों का नाम बताएं। तो वैसी स्थिति में पौधों के उत्सर्जी पदार्थ को जानना बहुत जरूरी है। पौधे द्वारा भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, पौधों के कोशिकाओं के द्वारा भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। वे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं तो देखिए, पौधों के द्वारा निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लैटेक्स है, गम गोंद है, रेजिन है, टैनिन है, यूजफुल ऑयल्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स है एंड मिनरल साल्ट्स है। नाइट्रोजेनस वेस्ट नाइट्रोजेनस वर्ज पदार्थ के रूप में क्या है? तो पौधों में नाइट्रोजन युक्त वर्ज पदार्थ के रूप में जो निकलते हैं उसे एल्केलॉयड कहते हैं और एल्केलॉयड का उदाहरण क्विनीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन और निकोटीन कैफीन है। ये सभी पौधों की जड़ों, पत्तियों और बीजों में पाए जाते हैं। इसका ये क्षारीय नेचर के होते हैं और इसका इस्तेमाल मेडिसिन्स में, औषधि में होता है। दूसरा लैटेक्स, लैटेक्स पौधों में पाया जाने वाला दूध के जैसा, मिल्क के जैसा पदार्थ है और जो जल में घुलनशील है। लैटेक्स में शर्करा, प्रोटीन, इसके बाद साल्ट और एंजाइम्स पाए जाते हैं और लैटेक्स का उपयोग रबर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह का जो चक्का देखते हैं, व्हील्स देखते हैं, तो रबर बनाने में लैटेक्स का प्रयोग होता है। इसके बाद गोंद, गम, गम का इस्तेमाल तो आप लोग भी स्टेशनरी यूज में करते हैं। तो बबूल, नीम आदि के वृक्षों में सेलुलोज के डिग्रेडेशन अपघटन से गोंद का निर्माण करते हैं और गोंद पानी में घुलनशील है। ये पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। रेजिन, रेजिन चीड़ के पौधे से हल्के पीले रंग का निकलने वाला पदार्थ होता है। चीड़ जो है, जो जंगली पौधे पेड़ है, चीड़ के पेड़ से निकलने वाला हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है। रेजिन भी जल में अघुलनशील है परंतु एल्कोहल और ईथर में यह घुलनशील है। रेजिन का उपयोग वार्निश और लाह वगैरह बनाने में होता है। इसके बाद टैनिन, टैनिन वृक्ष के छाल, फलों और बीजों एवं काष्ठीय जाइलम में पाया जाता है और मनुष्य के द्वारा रंग, कलर और मेडिसिंस बनाने में टैनिन का उपयोग होता है। इसके बाद है यूजफुल ऑयल्स। आप देखते हैं बहुत से आप तेल जो है औषधीय तेल के रूप में, लौंग का तेल, इसके बाद लेवेंडर का तेल, चंदन का तेल, ये सब जो इसमें विशिष्ट गंध होता है, इस ये सुगंधित पदार्थ सेंट वगैरह के बनाने में काम आता है। तो उपयोगी तेल भी पौधे से निकलते हैं। कार्बनिक अम्ल की बात है तो कार्बनिक अम्ल के रूप में पौधे के कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड बनता है
और ऑक्जेलिक एसिड थोड़ा खतरनाक हानिकारक होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड को कम हानिकारक बनाने के लिए उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल दिया जाता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट्स का उपयोग मेडिसिन के साथ साथ इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है। हम मिनरल्स की बात करें, कुछ खनिज भी है जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पौधों से निकलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट केरबे पत्तियों के बाह्य एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, और ये गुच्छे के रूप में इसमें लवण ही पाया जाता है, और इस तरह से बरगद रबर ये सब में इस्तेमाल होते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पौधों के द्वारा भी नाइट्रोजेनस वेस्टेज, लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टैनिन, उपयोगी तेल, कार्बनिक तेल और खनिज तेल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं जो हमारे यूजफुल हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखा। आप लोगों का कमेंट्स आए और कुछ बच्चे टेलीफोनिक भी मुझसे यह कहा कि सर आप बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चंस भी बताएं, जो जो चैप्टर जो जैविक क्रिया चाहे वो पोषण हुआ है, चाहे वो श्वसन हुआ है या परिवहन, और आज हम लोग एक्सक्रीशन उत्सर्जन की बात करें, तो इससे जो बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड्स में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उस क्वेश्चन का भी माने रिविजन अगर करा देते तो अच्छा होता। तो मैं जो अगला वीडियो डालूंगा उसमें आपके लिए बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चंस होंगे, उसका मैं रिवीजन करा दूंगा। अपना ख्याल रखेंगे बच्चों, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स के साथ साथ, लाइक के साथ साथ आप जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।